नमस्ते, मैं हूं किशोर रजवाणी। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का, वक्त 100 बात की एक बात का। राष्ट्रपति पद के लिए राजधानी दिल्ली सहित सभी राज्यों में वोट डाले गए, जिसका नतीजा 20 जुलाई को आएगा। सीबीआई के शिकंजे में फंसे लालू प्रसाद यादव ने पटना में अपने आवास पर रुद्राभिषेक की पूजा करवाई। भारत के दो दुश्मन लश्कर के अब्दुल रहमान मक्की और हिज्ब के सलाउद्दीन ने हाथ मिला लिया है। और इराक में एक कुर्द खुफिया अधिकारी ने दावा किया कि आईएसआईएस का सरगना अबू बकर अल बगदादी जिंदा है और सीरिया में आतंकियों की नई फौज बना रहा है। भारत और पाकिस्तान की सीमा पर जम्मू कश्मीर के राजौरी में आसमान में सफेद धुआं उठता हुआ दिखाई दिया। ये धुआं पाकिस्तान की तरफ से हो रही गोलीबारी के बाद का था, जिसने एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन करते हुए राजौरी और पुंछ में भारी गोलीबारी की। और इसी बीच राजौरी के ताराकुंडी में पाकिस्तान की तरफ से भारी गोलीबारी हुई। सुबह करीब 7:30 बजे हुई गोलीबारी के दौरान पाकिस्तान ने मोर्टार और बंदूकों से भारत के गांवों और सेना की चौकियों को निशाना बनाने की कोशिश की। लगातार हो रही गोलीबारी के बीच आसमान में धुआं उठता रहा। डर के मारे गांव के लोग अपने अपने घरों में ही छिपे रहे। राजौरी के ताराकुंडी और मंजाकोट में पाकिस्तान गोलियां और मोर्टार दाग रहा था। इसके अलावा पुंछ के बालाकोट सेक्टर में मेंढर भी पाकिस्तान की तरफ से हुई गोलीबारी का निशाना बना। हालांकि भारतीय सेना ने भी पाकिस्तान की तरफ से हुई गोलीबारी का मुंहतोड़ जवाब दिया। लगातार हो रही गोलीबारी का सबसे ज्यादा नुकसान सीमा के करीब गांव में रहने वाले लोगों को उठाना पड़ रहा है। राजौरी में पाकिस्तान की तरफ से हुई गोलीबारी में 2 लोग जख्मी हो गए, जिन्हें फौरन राजौरी के जिला अस्पताल में ले जाया गया। डॉक्टरों की एक क्विक एक्शन टीम को यहां पहले से ही अलर्ट पर रखा गया था। घायलों में एक महिला थी जिसकी पीठ पर गोली लगी थी। पेशेंट हमारे पास आई है अभी, इसको सबने देख लिया, शी इज आउट ऑफ डेंजर। पुंछ के बालाकोट सेक्टर में हुई गोलीबारी में और भी बड़ी अनहोनी हुई। पाकिस्तानी सेना की गोली का शिकार एक 8 साल की बच्ची बनी। बच्ची का नाम सईदा था। पुंछ में हुई गोलीबारी के बाद गाँव में यहाँ वहाँ पड़े हुए मोर्टार देखे जाने लगे। घरों के आंगन में बंधे मवेशी जख्मी हो गए। तो राजौरी में हुई पाकिस्तान की गोलीबारी में एक जवान शहीद हो गया। शहीद हुआ जवान उस वक्त अपने बंकर से ही पाकिस्तान की गोलियों का जवाब दे रहा था, लेकिन पाकिस्तान के एक मोर्टार ने बंकर को ढेर कर दिया और बंकर में मौजूद जवान की जान नहीं बच पाई। शहीद हुए नायक मुदस्सर अहमद की उम्र 37 साल थी। वो पुलवामा के त्राल के रहने वाले थे। हैवी शेलिंग रिपोर्ट की गई है, जिसमें अभी तक आर्मी के भी लॉसेस की खबर है। पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर उल्लंघन के दौरान पिछले एक हफ्ते में ही ये सेना की तरफ से 4थी शहादत है। तो नायक मुदस्सर की शहादत की खबर, उसके घर पहुंचते ही त्राल में मातम शुरू हो गया और पूरे परिवार का हौसला देने के लिए आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई। क्योंकि नायक मुदस्सर अहमद की शहादत के बाद उनके बूढ़े माँ बाप को सहारा देने के लिए घर में और कोई नहीं। मुदस्सर के 2 छोटे बेटे भी हैं, जिनके सिर से पिता का साया उठ गया है, इसीलिए आसपास के लोगों की भीड़ जमा होने में देर नहीं लगी। पूरे घर में मातम पसरा था। महिलाओं के आंसू नहीं थम रहे थे। मुदस्सर के दोस्तों का दावा है कि वो इस बार छुट्टियों में ये दावा करके गए थे कि वो फौज से वीआरएस लेने वाले हैं और आखिरी बार पोस्टिंग पर जा रहे हैं। और इस बार वो कंफर्म करके गए थे कि इस बार मैं एप्लीकेशन दे के रहूंगा और मैं पेंशन आ जाऊंगा, क्योंकि बहुत टाइम वो दे दिया मैंने फौज में। अब थोड़ी देर में सेना के अधिकारियों ने भी ट्विटर पर शहीद मुदस्सर को श्रद्धांजलि दी। सीमा पर गोलीबारी के बीच पाकिस्तान और भारत के बीच डीजीएमओ यानी डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन स्तर की बातचीत भी हुई। दोनों सेनाओं के अधिकारियों ने सीमा पर तनाव के मुद्दे पर बात की। इस दौरान भारत ने पाकिस्तान को सीज फायर उल्लंघन पर कड़ी फटकार लगाई। भारत ने 2 टूक कहा कि अगर पाकिस्तान सीज फायर तोड़ेगा तो भारत को जवाब देने का पूरा अधिकार है। हाल के दिनों में पाकिस्तान ने 23 बार सीज फायर का उल्लंघन किया है, इनमें एक पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम का हमला भी शामिल है। पाकिस्तान की इस गोलीबारी में भारत के 3 जवानों की शहादत समेत 4 मौत हुई है और 12 लोग घायल हुए। इस बीच जम्मू कश्मीर सरकार ने 2 टूक कहा कि इसे पाकिस्तान की प्रॉक्सी वॉर समझा जाना चाहिए। पाकिस्तान प्रॉक्सी वॉर कर रहा है और आने वाले वक्त में वो टेररिस्ट स्टेट जो है घोषित होगा। तो दूसरी तरफ जानकारों की राय ये है कि पाकिस्तान को कड़ा जवाब देने के लिए भारत को अमरनाथ यात्रा खत्म होने का इंतजार करना चाहिए। ये एक बार अमरनाथ यात्रा खत्म हो जाने दो। जिन जिन पोस्ट से ये कार्रवाई होती है, हिंदुस्तान को यकीन करना है कि वो पोस्ट हमेशा के लिए खत्म करते हैं। कुछ जानकारों का मानना है कि पाकिस्तान के सीज फायर उल्लंघन के पीछे की वजह केवल आतंकियों को घुसपैठ का मौका देना ही नहीं, बल्कि भारत पर अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा कम करने का दबाव बनाना भी है। सौ बात की एक बात यह कि पाकिस्तान की ओर से सीज फायर का उल्लंघन अक्सर आतंकियों को घुसपैठ कराने के लिए किया जाता रहा है, लेकिन हाल में आतंकियों पर की गई सख्ती की वजह से पाकिस्तानी सेना बौखलाई हुई है, जिसकी वजह से सीमा पार से लगातार उकसाने वाली हरकतें की जा रही हैं। दिल्ली में संसद भवन के हॉल नंबर 62 में पीएम मोदी बैलेट बॉक्स में वोट डालते दिखे, क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव के लिए राज्यों की विधानसभाओं और संसद भवन में सांसदों और विधायकों ने वोट दिया।
इस कड़ी में संसद भवन में पहला वोट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डाला। संसद भवन के हॉल नंबर 62 में पहुंचे पीएम मोदी ने पहले चुनाव अधिकारी के सामने बैठकर बैलेट पेपर लिया, जिसके बाद उसे भरकर बैलेट बॉक्स में डाला। प्रधानमंत्री के अलावा बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने भी संसद भवन में ही वोट डाला। गुजरात से विधायक अमित शाह ने इसके लिए चुनाव आयोग से पहले ही अनुमति ली थी। संसद भवन में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट देने के लिए सांसदों की लंबी कतार भी देखी गई। यहां गलियारे में लाइन लगाकर खड़े नेता अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। एक बेहद अहम यहां पर चुनाव है और जो जितने भी सांसद हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग यहां पर कर रहे हैं। संसद भवन में सुबह 10 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई, जो शाम 5 बजे तक जारी रही। संसद भवन में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के अलावा 5 और विधायकों ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। तो वहीं राज्यसभा के 14 और लोकसभा के 41 ऐसे सांसद रहे जिन्होंने संसद भवन में वोट नहीं दिया, बल्कि इन लोगों ने राज्यों की विधानसभाओं में वोट डाले। इस कड़ी में गोरखपुर से सांसद और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ विधानसभा में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और विधानसभा के अंदर बने मतदान केंद्र में वोट डाला। वहीं फूलपुर से सांसद और यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी लखनऊ विधानसभा में वोट दिया। लखनऊ विधानसभा के परिसर में सैकड़ों की संख्या में विधायक लाइन लगाकर खड़े हुए और अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। देश भर में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। विधान भवन के तिलक हॉल में सभी विधायक लाइन लगा के खड़े हैं और सुबह 10 बजे से ही विधायकों का यहां आना शुरू है। लखनऊ विधानसभा में नए विधायकों में वोट करने को लेकर खासा उत्साह दिखा। ऐसे में कुछ विधायक विधानसभा की बालकनी में खड़े होकर कैमरे के सामने हाथ हिलाते भी दिखे। इस बीच देश के दूसरे राज्यों की विधानसभाओं में भी मतदान को लेकर उत्साह दिखा। खासकर बिहार में जेडीयू विधायकों ने रामनाथ कोविंद के पक्ष में मतदान किया, जैसा कि पहले ही जेडीयू ने ऐलान कर दिया था। ऐसे में बिहार बीजेपी के नेता सुशील मोदी ने एक बार फिर नीतीश कुमार को धन्यवाद दिया। नीतीश कुमार को इस समर्थन के लिए अपनी ओर से बधाई और धन्यवाद देना चाहूंगा। वहीं कोलकाता में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी वोट डाला। इतना ही नहीं, टीएमसी के 2 सांसदों को छोड़कर बाकी सभी सांसदों ने भी कोलकाता में ही मतदान किया। वोट डालने के बाद ममता बनर्जी ने बीजेपी पर निशाना साधा। मीरा कुमार के समर्थन करार मध्य प्रार्थी आछेन जिनि होयतो बीजेपी वोटे जितबेन। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर पश्चिम बंगाल में माहौल खराब करने का आरोप लगाया। वहीं बीजेपी शासित राज्यों में भी वोटिंग को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। मध्य प्रदेश और राजस्थान में विधायकों ने लंबा इंतजार करके वोट डाला। तो मध्य प्रदेश में कई सांसद भी विधानसभा में वोट देते दिखे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वोट डाला और कोविंद की जीत को तय करार दिया। मध्य प्रदेश विधानसभा के परिसर में भी वोट देने के लिए लंबी लंबी कतारें लगी रहीं। वहीं राजस्थान विधानसभा में भी वोट देने के लिए विधायकों में खासा उत्साह दिखा। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी जयपुर में ही विधानसभा में ही अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इसके अलावा मतदान की तस्वीरें कई जगह से सामने आईं। श्रीनगर में पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने वोट डाला। तो दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल बारिश के बीच छाता लगाए वोट देने पहुंचे। इस बीच एक दिलचस्प तस्वीर महाराष्ट्र विधानसभा से सामने आई, जहां जेल में बंद एनसीपी विधायक छगन भुजबल अदालत की मंजूरी के बाद वोट डालने से विधानसभा पहुंचे। यहां करीब 1 साल बाद पहुंचे भुजबल बेहद कमजोर दिखे। पुलिस की गाड़ी से विधानसभा पहुंचे भुजबल के बाल सफेद दिखे। बेहद कमजोर से दिख रहे भुजबल सीधे गाड़ी से निकले और विधानसभा के अंदर चले गए। इस दौरान भारी संख्या में उनके समर्थक भी यहां जुटे रहे। छगन भुजबल और विधायक रमेश कदम को अदालत ने राष्ट्रपति चुनाव में वोट देने की मंजूरी दी थी। ये दोनों ही जेल में बंद हैं। सौ बात की एक बात यह कि राष्ट्रपति चुनाव में वोट को लेकर सांसद और विधायकों में खासा उत्साह दिखा। अब सबको इंतजार 20 जुलाई का है, जब वोटों की गिनती के बाद देश के 15वें राष्ट्रपति के नाम का औपचारिक ऐलान होगा। मुंबई में एक संदिग्ध आतंकी पकड़ा गया। मुंबई एयरपोर्ट से यूपी एटीएस ने फतेहपुर के रहने वाले सलीम खान नाम के एक संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया। लुकआउट नोटिस था इसके विरुद्ध और कल मुंबई एयरपोर्ट पे इसको डिटेन किया गया। आतंकवाद के लिए अलगाववादियों को मिल रहे पैसे की जांच के लिए एनआईए टीम में आयकर विभाग के कुछ अधिकारी भी शामिल किए गए। कुपवाड़ा में आतंकवादी घटनाओं में शामिल होने जा रहे 4 लड़कों को पुलिस ने रोक लिया। मध्य प्रदेश के उज्जैन में पुरानी रंजिश में 2 सगे भाइयों की हत्या करने का मामला सामने आया। पटना में एक सड़क हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने जमकर हंगामा किया। सावन के दूसरे सोमवार के मौके पर देश भर के मंदिरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़े। मथुरा में 2 लोगों के पास अवैध शराब की 50 पेटी बरामद की गई। शिखर धवन चोट की वजह से घायल मुरली विजय की जगह श्रीलंका दौरे पर जाएंगे। अगले साल होने वाले आईपीएल में राजस्थान और चेन्नई की वापसी के बाद गुजरात और पुणे की टीम बाहर हो सकती है।
बीसीसीआई ने संकेत दिए कि अगले साल आईपीएल में टीम की संख्या नहीं बढ़ेगी। कोलकाता में ट्रेन से सफर के दौरान सौरभ गांगुली की एक शख्स से सीट पर बैठने को लेकर बहस हो गई। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फिल्म मुन्ना माइकल का एक और डायलॉग प्रोमो जारी किया गया। कमर थोड़ी पतली है, टांगे थोड़ी लंबी है, आगे से सामने से सामने से सामने से वो जो मैनिक्विन है, आई थिंक बिल्कुल वही साइज़। वही पैक कर दीजिए आप। आईफा अवार्ड के लिए न्यूयॉर्क पहुंचे सलमान खान की एक प्रशंसक ने चलती कार से सेल्फी ली जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। लोकसभा की कार्यवाही के दौरान लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन एक कागज पढ़ने लगी, जिसके बाद सभी सांसद शांत होकर खड़े हो गए, क्योंकि मॉनसून सत्र के पहले दिन विनोद खन्ना को श्रद्धांजलि दी गई और दिन भर के लिए सदन को स्थगित कर दिया गया। लेकिन इसके साथ ही संसद के मॉनसून सत्र की औपचारिक शुरुआत भी हो गई। हालांकि पहले दिन लोकसभा में दिवंगत सदस्य विनोद खन्ना को श्रद्धांजलि दी गई। इसके लिए स्पीकर सुमित्रा महाजन ने पहले शोक संदेश पढ़ा, जिसके बाद पूरे सदन ने 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। इसके बाद दिन भर के लिए लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। हालांकि इससे पहले संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत के मौके पर प्रधानमंत्री ने मॉनसून सत्र में सार्थक चर्चा होने की उम्मीद जाहिर की। ये मॉनसून सत्र जीएसटी की सफल वर्षा के कारण पूरा सत्र नई सुगंध और नए उमंग से भरा हुआ होगा। प्रधानमंत्री ने नए सत्र की शुरुआत में किसानों को नमन किया, इस सत्र को बेहद खास बताया। वहीं 10 जनपद पर कांग्रेस नेताओं की भी अहम बैठक हुई, जिसमें मॉनसून सत्र के लिए रणनीति तय की गई। यानी विपक्ष की पार्टियां इस सत्र में सरकार की घेरेबंदी के लिए पूरी तरह कमर कस चुकी हैं। इसके लिए 10 जनपद पर कांग्रेस के बड़े नेता जुटे और मॉनसून सत्र के लिए पार्टी की रणनीति पर बातचीत की। बैठक में शामिल होने के लिए कांग्रेस की पार्लियामेंट्री स्ट्रेटेजी कमेटी के सदस्य जयराम रमेश और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई नेता पहुंचे। वहीं दूसरे विपक्षी दल भी मुद्दों के हथियार लेकर सरकार को घेरने के लिए तैयार दिख रहे हैं। आम आदमियों के ऊपर आर्थिक बोझ बड़ी पैमाने पर बढ़ी है। कई सारे वायदे जो किए प्रधानमंत्री खुद उसको लागू नहीं किए। माइनॉरिटी में दलितों दलित लोगों में एक बेचैनी है, एक भय का माहौल है। संसद के मॉनसून सत्र में सरकार गाय, कश्मीर विवाद और सीमा सुरक्षा के मुद्दे पर विपक्ष के निशाने पर रहने वाली है। तो वहीं संसद में कई महत्वपूर्ण आर्थिक विधेयक भी पेश किए जाने हैं, जिसकी वजह से इस सत्र में कामकाज को बेहतर रखने पर सरकार का खास जोर रहने वाला है। क्योंकि जीएसटी के लागू होने के बाद इन विधेयकों का पास होना जरूरी है, यही वजह है कि सरकार अभी से हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार रहने का ऐलान कर रही है। हम गिरते नहीं है, चर्चा करने की जगह है, चर्चा हर बात करेंगे। वहीं पिछले कई सत्र में सरकार के लिए मुसीबत बनती रही शिवसेना के सुर इस बार नरम है और वो भी सरकार की भाषा में बात कर रही है। जो भी मुद्दे विपक्ष उठाएगा हमारे पास सभी मुद्दों के जवाब है। सरकार ने भी विपक्ष के हमलों के पलटवार के लिए अभी से कसरत तेज कर दी। सौ बात की एक बात यह कि मॉनसून सत्र में छिटपुट मुद्दों को छोड़कर कोई ऐसा बड़ा मुद्दा नहीं है जिसकी वजह से संसद की कार्यवाही में बड़ी रुकावट की जमीन तैयार हो सके। ऐसे में इस सत्र में पहले से बेहतर कामकाज की उम्मीद की जा सकती है। हरियाणा के फरीदाबाद में एक बाइक सवार अचानक पानी से लबालब सड़क पर गिर गया। इस सड़क पर खुला सीवर बारिश के पानी में दिख नहीं रहा था, जिसके लिए लोगों ने नगर निगम की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया और फरीदाबाद नगर निगम पर लगा आरोप तस्वीरों में भी साफ दिखा, जब एक बाइक सवार खुले सीवर के पास पहुंचते ही धड़ाम से गिर पड़ा। सड़क पर बारिश का पानी जमा था, जिसकी वजह से खुले सीवर का पता ही नहीं चला। आसपास के लोगों की मदद से उस आदमी ने अपनी बाइक बाहर निकाली। जब तक वो अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट करता, इतने में एक और स्कूटी सवार वहां आकर फंस गया। हालांकि वो गिरा नहीं, लेकिन स्कूटी का अगला पहिया सीवर में चला गया था। ये पिछले 5-7 दिन से सीवर लाइन ब्लॉक हुई पड़ी है। दो लोगों के गुजर जाने के बाद एक परिवार इस सीवर का शिकार होते होते बचा। बाइक का अगला टायर झटके से सीवर में गया और पीछे बैठी महिला अपने बच्चे के साथ नीचे आ गई। गनीमत यह रही कि बच्चे को महिला ने कसकर पकड़ा था, जिसकी वजह से वो गिरने से बच गया। इसके बाद पास के लोगों ने बाइक को खींचकर बाहर निकाला। यानी खुले सीवर में अब तक 3 बाइक सवार शिकार हो चुके थे। ये घटना 11 जुलाई की है, जब फरीदाबाद के खाजा इलाके में बारिश के बाद सड़क लबालब हो गई और इन 3 लोगों के निकलने के बाद यात्रियों से भरा एक ऑटो खुले सीवर में जा फंसा और अंदर बैठे लोग गिरने से बाल बाल बच गए। ऑटो को धक्का मारकर वहां से निकाला गया, लेकिन अभी हादसों का सिलसिला थमा नहीं था। इस खुले सीवर का अगला शिकार एक और बाइक सवार हुआ। रफ्तार तेज होने की वजह से अगला टायर तो निकल गया, लेकिन पिछला टायर फंस गया। कंप्लेंट कर करके भी दुखी हो गए हम, उसके बाद भी कुछ सुनवाई नहीं है। खुले सीवर में बाइक और ऑटो वाले तो फंसे ही, साइकिल सवार भी नहीं बच पाए। एक साइकिल सवार गिरते गिरते बचा, बाद में उसने साइकिल निकाली और चल पड़ा, लेकिन अगला साइकिल सवार उसी सीवर में जाकर गंदे पानी में पूरी तरह गिर गया। फरीदाबाद में यह हादसे 11 जुलाई को दोपहर 2 से 5 बजे के बीच होते रहे। ये पूरी घटना वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जहां व्यस्त सड़क पर सीवर में एक के बाद एक लोग गिर रहे थे।
इतने लोगों के गिरने के बाद तीन युवकों से लदी एक और मोटरसाइकिल खुले सीवर में जा फंसी। हालांकि कोई गिरा नहीं और निकलने के बाद वो भी चलते बने। बाइक निकली तो यात्रियों से भरा एक और ऑटो सीवर में जा फंसा। बरसात आई थी यहाँ पे, तकरीबन डेढ़ से दो दर्जन बाइक और ऑटो यहाँ पे गिरे थे। गनीमत रही कि इस दौरान कोई सीवर के अंदर नहीं गिरा, क्योंकि सीवर की गहराई 10 फुट से भी ज्यादा थी। इन हादसों की खबर मीडिया में आने के बाद नगर निगम हरकत में आया और उसे ठीक करने का काम शुरू किया गया। सौभाग्य की बात यह कि खुले नाले या सीवर अक्सर हादसों की वजह बनते हैं। ऊपर से बारिश के मौसम में ये कई बार जानलेवा भी हो जाते हैं। ऐसे में नगर निकायों की जिम्मेदारी है कि वो ऐसे खतरनाक जगहों की पहचान करें, पहले ही उन्हें दुरुस्त करें, ताकि बारिश के मौसम में लोगों को ऐसी मुश्किल से न जूझना पड़े। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को अदालत से राहत मिली। दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस कर्मियों पर की गई टिप्पणी के मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल को पेशी से छूट दे दी। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महिला की याचिका पर आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास से जवाब मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने विधायक का चुनाव लड़ने के लिए पढ़ाई की सीमा तय करने वाली याचिका खारिज कर दी। महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट में दाखिल अपनी रिपोर्ट में बताया कि उसने संजय दत्त को नियमों के तहत ही जल्द जेल से रिहा किया। मध्य प्रदेश सरकार अस्पताल में ज्योतिष ओपीडी खोलने की तैयारी कर रही है, जहां लोगों की कुंडली की मदद से बीमारी का इलाज होगा। मध्य प्रदेश के अस्पताल में ज्योतिष से इलाज कराने को कांग्रेस ने आरएसएस का एजेंडा करार दिया। हिंदुओं की भावनाओं से खेल के वोट लेने का एजेंडा बना रहता है। यूपी के गाजीपुर में एक घर से 40 से ज्यादा सांप निकलने के बाद परिवार दहशत में आ गया। यूपी के शाहजहांपुर में एक अस्पताल में डॉक्टर और उसके सहयोगी पर नाबालिग के गैंगरेप का आरोप लगाते हुए लोगों ने हंगामा किया। यूपी के बागपत में पुलिस वालों पर गाड़ियों की चेकिंग के नाम पर अवैध वसूली का आरोप लगा। लद्दाख की चोटी पर चढ़कर तिरंगा फहराने वाले 18 छात्रों के दल में शामिल मिर्जापुर की काजल पटेल के गांव में जश्न का माहौल। 18,000 फीट की ऊंचाई पर जाकर तिरंगा फहराया। सुनील शेट्टी की बेटी आथिया ने बताया कि किसी भी मशहूर हस्ती के परिवार से ताल्लुक रखने पर हमेशा वंशवाद की आलोचना का सामना करना पड़ता है। ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित मशहूर अभिनेता मार्टिन लैंडो का 90 साल की उम्र में लॉस एंजलिस में निधन हो गया। दिल्ली में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट डालने के बाद डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया क्रॉस वोटिंग के सवाल को अनसुना करके आगे बढ़ गए, क्योंकि सिर्फ आम आदमी पार्टी ही नहीं बल्कि कई दिलों के अंदर राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग की खबरें सामने आई। ऐसे में जब दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से क्रॉस वोटिंग को लेकर सवाल किया गया तो वो गोलमोल जवाब देकर आगे बढ़ गए। वो तो देखिए क्या होगा। इससे पहले दिल्ली के पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा भी वोट डालने आए और इशारों में जवाब देकर चलते बने। जो व्यक्ति इस देश के अगले राष्ट्रपति की शपथ लेंगे उनको वोट देकर आए हैं। आम आदमी पार्टी ने राष्ट्रपति चुनाव में मीरा कुमार को समर्थन देने का ऐलान किया था, लेकिन पंजाब में पार्टी के वरिष्ठ नेता एचएस फुलका ने ही पार्टी का फैसला मानने से इनकार कर दिया था। लेकिन राष्ट्रपति चुनाव को लेकर दो तरह के सुर सिर्फ आम आदमी पार्टी के अंदर से ही नहीं आए, यूपी में समाजवादी पार्टी भी इस मौके पर दो फाड़ नजर आई। जब समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव ने एनडीए उम्मीदवार रामनाथ कोविंद के समर्थन में वोट देने का ऐलान कर दिया। हमेशा मैंने नेताजी के सारे पार काम किया है, तो नेताजी ने भी फैसला किया था रामनाथ कोविंद को ही सपोर्ट करें। शिवपाल यादव ने दावा किया कि पार्टी के कई सांसद और विधायकों ने भी कोविंद के पक्ष में वोट डाला, तो वहीं समाजवादी पार्टी से निकाले गए नेता अमर सिंह भी कोविंद के समर्थन में खुलकर खड़े दिखे। राम ने सबरी का जूठन खाया, नहीं तो सबरी को कौन जानता। अब कल से हिंदुस्तान नहीं पूछेगा रामनाथ कोविंद कौन है। अमर सिंह ने एक बार फिर मुलायम सिंह और अखिलेश यादव पर निशाना साधा। वैसे अमर सिंह समाजवादी पार्टी से पहले ही बाहर चल रहे हैं, इसलिए उनके रुख से समाजवादी पार्टी को कोई फर्क भले ना पड़े, मगर शिवपाल यादव ने जिस तरह खुलकर बागी तेवर दिखाए उससे पार्टी के कई नेताओं को बोलते नहीं बन रहा। ऐसे में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने शिवपाल के बयान को ही झुठलाने की कोशिश की। क्या जरूरी है कि शिवपाल जी ने जो आपसे कहा वही सही हो, क्या उन्होंने वोट भी मीरा कुमार को ही दिया? इतना ही नहीं, आजम खान ने अपने साथ खड़े विधायकों को गिनाना शुरू कर दिया। हम सब ने मीरा कुमार को वोट देने का इसलिए फैसला लिया है कि पार्टी का फैसला है। आजम खान ने शिवपाल यादव के बयान से जुड़े सवाल टालने की हर मुमकिन कोशिश की। वहीं त्रिपुरा में तृणमूल कांग्रेस में भी बगावत हो गई और यहां से टीएमसी के 6 विधायकों ने खुलेआम बगावत करते हुए एनडीए उम्मीदवार कोविंद को वोट दिया। इसके लिए त्रिपुरा विधानसभा पहुंचे सभी 6 विधायकों ने ममता बनर्जी पर अपने सिद्धांतों से भटक जाने का आरोप लगाया। कविंद जी जो एनडीए का जो उम्मीदवार है उनको हम लोग वोट डाल रहा है, ये हमारा प्रोटेस्ट है।
बागी विधायकों ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी से लड़ाई के चक्कर में लेफ्ट पार्टियों से हाथ मिला लिया। इस बीच गुजरात में एक बीजेपी विधायक नलिन कोटाडिया भी बगावत कर गए और मीरा कुमार के समर्थन में वोट डाला। हालांकि एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की खबरें ज्यादा आई, जिसके बाद बीजेपी नेता खासे उत्साहित हैं। दलगत राजनीति ऊपर उठ के जो भी नेता समर्थन करते हैं तो मैं समझता हूं वो उत्तर प्रदेश के प्रति उनका जो सम्मान है उसी को जता रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने क्रॉस वोटिंग की खबरों को ही खारिज कर दिया। विपक्ष के सारे हमारे विधायक है, उन्होंने मीरा कुमार जी के लिए मतदान किया है। हालांकि लेफ्ट की राय इस मसले पर कुछ अलग रही। इस वोट पे कोई पार्टी का विप नहीं होता, ये बात पहली बार नहीं हो रही है, कई बार पहले भी। यानी मतदान के दिन वोट देने का सिलसिला जैसे जैसे बढ़ता गया विपक्ष के सुर पस्त होते गए। वैसे विपक्षी नेताओं के बयानों का अंदाज सुबह से ही बदला बदला दिखा, जब कांग्रेस नेताओं ने लगातार अंतरात्मा की आवाज पर वोट की अपील करनी शुरू की। लेकिन इसी बीच कुछ विपक्षी नेताओं के बयान ने एनडीए खेमे का उत्साह और बढ़ा दिया। अभी के नंबरों पे जाएं तो लगता है कि एनडीए को जो है इस इलेक्शन में एडवांटेज है। वहीं एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने भी एनडीए उम्मीदवार की जीत को तय करार दे दिया, जिसके बाद कांग्रेस ने इस बयान का बचाव किया। प्रफुल्ल पटेल जी ने किस संदर्भ में ये कहा है कि एनडीए के प्रत्याशी जीतेंगे, आप अच्छी तरह से जानते हैं। वहीं मीरा कुमार का समर्थन करने वाली मायावती सिर्फ दलित प्रत्याशी की जीत से ही खुश हैं, चाहे वो कोई भी हो। अच्छी बात यह है कि दोनों में से कोई भी जीते सुल कास्ट का आदमी तो देश का राष्ट्रपति बनेगा। यानी राष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग के दिन ही विपक्ष के कई नेताओं ने हार कबूल कर ली। सौ बात की एक बात यह कि आंकड़ों के लिहाज से रामनाथ कोविंद का पलड़ा पहले से ही भारी है। ऐसे में बीजेपी की कोशिश कोविंद की जीत को रिकॉर्ड तोड़ बनाने की है, और जिस तरह चुनाव में क्रॉस वोटिंग की खबरें आई हैं, अगर वो सच हुई तो बीजेपी की कोशिश कामयाब भी हो सकती है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में हिजबुल मुजाहिदीन के सरगना सलाउद्दीन को लश्कर आतंकी अब्दुल रहमान मक्की एक बंदूक दे रहा था। हजारों लोगों की भीड़ के बीच इस कार्यक्रम में लश्कर और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी भारत के खिलाफ जहर उगल रहे। और इसी कार्यक्रम के दौरान हिजबुल मुजाहिदीन के सरगना सैयद सलाउद्दीन को एक बंदूक भेंट की गई। ये बंदूक भेंट करने वाला लश्कर का आतंकी और रिश्ते में लश्कर सरगना हाफिज सईद का साला अब्दुल रहमान मक्की था। मक्की ये बंदूक हाफिज सईद की तरफ से ही दे रहा था। साथ में मंच से दावा किया जा रहा था कि इस बंदूक का इस्तेमाल भारत के खिलाफ होगा। इस कार्यक्रम का नाम शौदा कश्मीर कॉन्फ्रेंस रखा गया था, जिसमें लश्कर और हिजबुल मुजाहिदीन के कई आतंकी मंच पर ही मौजूद थे। इस कार्यक्रम से यह साफ हो गया कि लश्कर और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों ने हाथ मिला लिया है और दोनों मिलकर हिंदुस्तान के खिलाफ आतंकी नई साजिश रचने की तैयारी कर रहे हैं। और पाकिस्तान सरकार इन आतंकियों की मदद करने में जरा भी पीछे नहीं है, इसीलिए पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में खुलेआम आतंकियों ने रैली की। हजारों लोग आतंकियों के जहरीले भाषण सुनने के लिए पहुंचे और घंटों तक मंच पर ऐसे आतंकी मौजूद रहे जो भारत की मोस्ट वांटेड लिस्ट में सबसे ऊपर हैं। सलाउद्दीन मंच से खुलेआम भारत को चुनौती देता रहा। इस गजब-ए-हिंद के नतीजे में न सिर्फ कश्मीर आजाद होगा बल्कि बरसगीर का नक्शा बदल कर रह जाएगा। हैरानी की बात तो यह है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग का एक नेता जफर अली शाह भी आतंकियों के साथ मंच साझा कर रहा था। नवाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नेता जफर अली शाह ने न्यूज 18 से फोन पर बात करते हुए सफाई दी और सलाउद्दीन को आतंकी मानने से ही इनकार किया। मैं पता है कि अमेरिका ने उनको ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर किया हुआ है। अमेरिका की अगर इंतजामिया ने किया हुआ है तो कोई जुडिशियल डिसीजन नहीं है और ना ही को वो बाइंडिंग है किसी दूसरी सॉवरन स्टेट के शहरियों पर। पाकिस्तान में आतंकियों का खुलेआम रैली करना कोई नई बात नहीं है, फर्क बस इतना है कि पिछले कुछ वक्त में ऐसी रैलियां करने वाले आतंकियों के चेहरे बदल गए, क्योंकि पहले ऐसी रैलियां करने का काम हाफिज सईद किया करता था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बाद पाकिस्तान उस पर कार्रवाई करने को मजबूर हो गया। इसीलिए अब हाफिज सईद की आतंकी फैक्ट्री चलाने का जिम्मा उसके रिश्तेदार मक्की ने संभाल लिया और जहर उगलने की जिम्मेदारी सलाउद्दीन निभा रहा है। सितंबर 2016 में ही भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को बेनकाब किया था। ऐसे देशों को भी चिन्हित करना चाहिए जहां संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित आतंकवादी सरेआम जलसे कर रहे हैं।
लेकिन पाकिस्तान सुधरा नहीं। सैयद सलाहुद्दीन को अमेरिका ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित किया है। इसके बावजूद सलाहुद्दीन की मदद करने में पाकिस्तान को कोई गुरेज नहीं है। सौबात की एक बात यह कि घाटी में सुरक्षा बल की सख्ती से बौखलाए लश्कर और हिजबुल मुजाहिदीन का साथ आना पाकिस्तान की पोल तो खोल ही रहा है, साथ ही आतंकी गठबंधन भारत के लिए भी खतरे की घंटी है, जिससे सावधान रहना बेहद जरूरी है। हांगकांग में चल रहे एक टेक कॉन्फ्रेंस में इंसान जैसे दिखने वाले दो रोबोट आपस में बात कर रहे थे। इन दोनों में एक लड़का है, एक लड़की। इसीलिए लड़की जैसे दिखने वाले रोबोट को नाम दिया गया सोफिया और लड़के का नाम हैन। दोनों मंच पर खड़े होकर इंसानों की तरह गर्दन घुमाकर एक दूसरे से बात करने लगे। सोफिया ने हैन से कहा कि लोगों को लगता है कि वो इंसान है, लेकिन हैन ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। इस पर सोफिया लड़की की आवाज में गाना गाकर उसे सुनाने लगी। Elder care and health care should be huge markets for this type of emotional. ये दोनों रोबोट सिर्फ बात करने और गाना गाने के लिए नहीं बनाए गए हैं, ये अलग अलग मूड के मुताबिक शक्ल भी बनाते हैं। इनके शरीर पर लगी चमड़ी भी बिल्कुल इंसान की तरह ही है। सौबात की एक बात यह कि रोबोट को लेकर दुनिया भर में तरह तरह के प्रयोग चल रहे हैं। ऐसे में बातचीत करने वाला ऐसा रोबोट उन लोगों के लिए खासा मददगार होगा जो अकेलेपन का शिकार है। हरियाणा विधानसभा के बाहर एक बोर्ड लगा था जिस पर एक खास पेन की तस्वीर। चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति चुनाव के दौरान वोटिंग के लिए यह खास पेन मुहैया कराई थी, जिसकी जानकारी हरियाणा के विधायकों को नोटिस लगाकर दी गई। राष्ट्रपति चुनाव के दौरान विधानसभा के गेट पर ही चुनाव आयोग का नोटिस लगा था। इस नोटिस में हिदायत दी गई थी कि वोटिंग के लिए चुनाव आयोग के पेन के अलावा किसी दूसरे पेन का इस्तेमाल न करें। पिछले साल राज्यसभा चुनाव के दौरान हरियाणा विधानसभा में डाले गए 13 वोट गलत पेन की वजह से रद्द हो गए थे, इसलिए राष्ट्रपति चुनाव में आयोग ने खास तैयारी की थी। इस बार पेन की कोई कंट्रोवर्सी होने की संभावना नहीं है। राष्ट्रपति चुनाव में खास पेन वाले फॉर्मूले को कांग्रेस हल्के में लेती दिखी। पेन का झगड़ा हमारे समझ में नहीं आया। हालांकि कांग्रेस के कुछ विधायकों ने पिछले साल हुए स्याही विवाद को हरियाणा सरकार की चाल बताया। सौबात की एक बात है कि हरियाणा में राज्यसभा चुनाव के दौरान पेन के इस्तेमाल को लेकर हुए विवाद से चुनाव आयोग ने सबक लिया और इस बार खुद ही खास पेन जारी करके विवाद की किसी भी गुंजाइश को पूरी तरह खत्म कर दिया। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो एक बच्चे से मिलने पहुंचे जिसका पूरा नाम जस्टिन ट्रूडो आदम बिलाल है। बच्चे का नाम उसके माता पिता ने जस्टिन के नाम पर ही रखा है। ट्रूडो ने सीरिया से कनाडा आ रहे लोगों का हमेशा अपने देश में स्वागत किया। बच्चे का नाम ट्रूडो के नाम पर रखकर परिवार कनाडा के प्रधानमंत्री को शुक्रिया कहना चाहता है। दिल्ली में बीजेपी के मुख्यालय में प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और नितिन गडकरी समेत कई नेता आपस में बातचीत करते दिखे। मौका था बीजेपी संसदीय दल की बैठक का, जिसमें एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर वेंकैया नायडू के नाम का ऐलान हुआ। इससे पहले शाम 6 बजे के करीब दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में पार्टी की संसदीय दल की बैठक शुरू हुई, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी पार्टी के दूसरे नेताओं के साथ बैठे, जहां हल्के फुल्के माहौल में सभी नेता आपस में बातचीत करते दिखे। जिसके बाद संसदीय बोर्ड की बैठक शुरू हुई, जिसमें उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर वेंकैया नायडू के नाम पर मोहर लग गई। एनडीए के सभी साथियों से चर्चा करने के बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड इन निर्णय पर पहुंचा है। श्री एम वेंकैया नायडू जी एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी होंगे। वैसे वेंकैया के नाम की अटकलें काफी पहले से चल रही थी, जिन्हें खुद वेंकैया नायडू बार बार खारिज कर रहे थे। वेंकैया नायडू 4 बार राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं, बीजेपी के 2 बार राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वेंकैया आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले के रहने वाले हैं और फिलहाल केंद्र में शहरी विकास मंत्री और सूचना प्रसारण मंत्री हैं। उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 5 अगस्त को होगा, जिसमें वेंकैया नायडू का मुकाबला विपक्षी दलों के प्रत्याशी गोपाल कृष्ण गांधी से होगा। सौभाग्य की बात यह कि बीजेपी में दक्षिण से आने वाले चेहरों में वेंकैया नायडू सबसे भरोसेमंद चेहरे हैं, साथ ही उनकी बेदाग छवि भी पार्टी के लिए मुफीद है। इतना ही नहीं, नायडू के चेहरे के सहारे बीजेपी दक्षिण भारत में पार्टी का जनाधार बढ़ाने की कोशिश में है। राजस्थान के सिरोही की एक गौशाला में 2 मरी हुई गाय देखी गई। इन गायों की मौत की वजह चारा न मिलने को माना जा रहा है। ऐसा तब है जबकि प्रधानमंत्री मोदी तक तो गोरक्षकों पर सख्त कार्रवाई करने की राज्य सरकारों से अपील करनी पड़ रही। लेकिन सिरोही की अर्बुदा गौशाला में गायों की सुध लेने वाला कोई नहीं है, जिसका सबूत गौशाला में गायों की बदहाली की तस्वीरें हैं। चारा न मिलने की वजह से गाय खड़े होने की हालत में भी नहीं थी। कुछ गायों के भूख की वजह से मरने की खबर है। बताया जा रहा है कि एक हफ्ते से गायों के खाने के लिए गौशाला में चारा नहीं है। सुबह मेरे वो जो कार्यकर्ता है उनका फोन भी आया था कि सब 7 दिन से वहाँ चारा नहीं है। राजस्थान में बीजेपी की सरकार है और ये बदहाली की तस्वीरें एक सरकारी गौशाला की है। गौशाला के बाहर लगे बोर्ड पर साफ लिखा गया है कि जिले का कलेक्टर इस गौशाला का अध्यक्ष है।
यानी एक तरफ देश के कई इलाकों में गाय का हाल बेहाल है और दूसरी तरफ गाय के नाम पर लोग हिंसा पर उतार हुए हैं, इसलिए गोरक्षकों को दी गई पीएम मोदी की नसीहत भी सियासत की वजह बन गई, जिसके जवाब में रिटायर्ड जज आर एस सोढ़ी ने सरकार पर करारा वार किया। कल बात की है कि इतने इतना इतना कुछ हो गया है और अरेस्ट एंड ट्रायल्स नहीं चल रही अभी तक, तो विपक्ष ने भी हमला करने में देर नहीं की। उपदेश देने से थोड़ी ना होता, कुछ कार्रवाई करिए ना। कहने से पहले वो अगर एक्ट करे तो सब लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं। संसद के मानसून सत्र में विपक्ष गोरक्षकों की गुंडागर्दी के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है, तो बीजेपी ने प्रधानमंत्री के बयान का बचाव करने में देर नहीं की। सरकार के लिए राहत की बात यह रही कि उसके सहयोगी दल भी प्रधानमंत्री के बयान के बाद एक सुर में बोलने लगे। यहां तक कि शिवसेना ने तो मारपीट करने वाले गोरक्षकों को सरहद पर जाने की नसीहत दे दी। सभी हिम्मतबाज लोगों ने कश्मीर में जाना चाहिए और कश्मीर में जो आतंकवादी है उनके साथ लड़ाई करनी चाहिए। तो बीजेपी के प्रवक्ताओं ने भी प्रधानमंत्री मोदी के बयान की तारीफ की। गोरक्षा के नाम पर इंसान की जिंदगी ले लेना सब समाज में इसकी कोई इजाजत नहीं। प्रधानमंत्री ने सभी दलों की बैठक के दौरान गोरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की वकालत की थी। तो हरियाणा की खट्टर सरकार ने गोरक्षकों की गुंडागर्दी रोकने के लिए एक नई पहल की। नए फैसले के मुताबिक हरियाणा में गोरक्षकों को सरकार एक खास पहचान पत्र जारी करेगी और इस पहचान पत्र के जरिए सरकार के पास न केवल गोरक्षकों की जानकारी इकट्ठा होगी बल्कि किसी भी घटना के होने पर जांच और जवाबदेही तय करना भी आसान हो जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर दावा कर रहे हैं कि वो किसी भी कीमत पर कानून व्यवस्था भंग नहीं होने देंगे। लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लेने की कोई भी जो बात करेगा उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। कांग्रेस ने हरियाणा सरकार की पहल को ध्यान भटकाने की कोशिश करार दे दिया। सरकार अपनी विफलताओं से मुंह छुपाती हुई फिर रही है, कभी गौ रक्षा की बात करती है, कभी भारत माता की बात करती है। हरियाणा सरकार की योजना के मुताबिक गोरक्षकों के आई कार्ड बनाने से पहले पुलिस से उनकी पूरी वेरिफिकेशन करवाई जाएगी। इस बीच आईआईटी दिल्ली में गोमूत्र और गोबर के फायदों पर शोध की खबर है, जिसके बाद एमआईएम सांसद ओवैसी ने सरकार पर नया हमला कर दिया और आईआईटी दिल्ली में गाय से जुड़े शोध पर एक अखबार में छपी खबर का हवाला देते हुए कहा कि गोमूत्र और गोबर की अहमियत पर आईआईटी दिल्ली में शोध किया जाएगा, ये सरकार का बहुसंख्यकों की भावनाओं को थोपने का नमूना है। इसके बाद ओवैसी को जवाब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने दिया और गाय से देश की अर्थनीति को ही जोड़ दिया। बड़े दिल से देखें कि देश की अर्थनीति गौ गौमूत्र और गोबर पर टिकी हुई। केंद्र सरकार ने भी अप्रैल में गाय के गोबर और गोमूत्र की वैज्ञानिक उपयोगिता जांचने के लिए एक पैनल का गठन किया था। इस पैनल की पहली बैठक अगस्त में हो सकती है। सौ बात की एक बात है कि गायों के दाम पर जितनी सियासत हो रही है उतनी गंभीर कोशिश अगर वाकई गायों की देखभाल के लिए हो तो गोरक्षा के नाम पर हंगामे की गुंजाइश ही खत्म हो जाएगी। गृह मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी है। इस बारे में सभी राज्यों को खास आदेश दिए गए हैं। इस आदेश के मुताबिक देश में प्रधानमंत्री के दौरे पर उन्हें फूलों का गुलदस्ता न दिया जाए, गुलदस्ते की जगह खादी के रुमाल में फूल देने का सुझाव दिया गया है। साथ ही प्रधानमंत्री को कोई किताब तोहफे के तौर पर देने की बात कही गई। हिमाचल की मंडी में जूस की एक दुकान में सारा सामान टूटा फूटा पड़ा था। इस दुकान पर पहाड़ का एक बड़ा सा टुकड़ा टूट कर गिर पड़ा और बड़ी सी चट्टान की चपेट में आकर दुकान पूरी तरह से तहस नहस हो गई। हादसे के वक्त दुकान के पास बने मंदिर में करीब 20 श्रद्धालु मौजूद थे, लेकिन गनीमत रही कि चट्टान का टुकड़ा वहां मौजूद लोगों से 5 फीट दूर गिरा, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। आसपास रहने वालों के मुताबिक पहाड़ों से आए दिन पत्थर गिरते रहते हैं जिससे लोगों में डर का माहौल है। बहुत बड़ी बड़ी चट्टाने गिरी है और मैं तो खुद आशंकित था कि कहीं और चट्टाने ना गिर जाए ऊपर से। जो चट्टान गिरी वो इतनी बड़ी थी कि उसे मशीन की मदद से वहां से हटाया गया। वहीं इसके बाद भी पहाड़ से छोटे पत्थर गिरते रहे जिनसे बचने के लिए लोगों ने मंदिर का आसरा लिया। सौ बात की एक बात है कि ऐसे हादसों में अगर अब तक किसी की जान नहीं गई है तो ये सिर्फ संयोग है, लेकिन वहां रहने वाले हजारों लोगों को संयोग के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। ऐसे में यहां के प्रशासन को इस मुश्किल से निपटने का कोई स्थायी समाधान तलाशना चाहिए। शशिकला मामले में कर्नाटक की डीआईजी जेल रूपा पर गाज गिरी। शशिकला को बेंगलुरु जेल में वीवीआईपी सुविधाएं देने का आरोप लगाने वाली कर्नाटक की डीआईजी जेल रूपा का तबादला ट्रैफिक विभाग में कर दिया गया। कर्नाटक की डीआईजी जेल रूपा के तबादले के मामले पर विपक्षी दलों ने राज्य सरकार को घेरा और आरोप लगाया कि वो अपराधियों को बचा रही। कर्नाटक सरकार ने बताया कि शशिकला को वीवीआईपी सुविधा देने के आरोपों की जांच जारी। शशिकला मामले में भ्रष्टाचार के आरोपी कर्नाटक के डीजी जेल सत्यनारायण राव को भी उनके पद से हटा दिया गया।
महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री चंद्रकांत बावनकुले के व्हाट्सएप ग्रुप में अश्लील पोस्ट डालने वाले चीफ इंजीनियर को निलंबित कर दिया गया। मध्य प्रदेश की बड़वानी में एक फैक्ट्री में तोड़फोड़ और मारपीट करने के आरोप में पुलिस ने 11 लोगों को हिरासत में लिया। तेलंगाना के करीमनगर में हुए एक सड़क हादसे की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई। क्रिकेटर हार्दिक पांड्या ने सोशल मीडिया पर अपने नए हेयर स्टाइल की तस्वीरें शेयर की। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड स्पॉट फिक्सिंग मामले में उमर अकबल और मोहम्मद शमी की भूमिका की जांच करेगा। 2007 T20 विश्व कप में अहम भूमिका निभाने वाले क्रिकेटर जोगिंदर शर्मा के पिता पर रोहतक में जानलेवा हमला हुआ। क्रिकेटर क्रिस गेल ने इंस्टाग्राम पर डांस करने का एक वीडियो शेयर किया जिसे काफी पसंद किया जा रहा है। न्यूयॉर्क में आईफा पुरस्कार जीतने वाले शाहिद कपूर ने इसका श्रेय अपनी पत्नी मीरा को दिया। फिल्म उड़ता पंजाब के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाले शाहिद और आलिया ने अपनी ट्रॉफी हवा में उछालकर खुशी जाहिर की। अमिताभ बच्चन और करण जौहर ने फिल्म जग्गा जासूस देखी और इसकी तारीफ की। पटना में लालू के घर से कई पुजारी निकले और गाड़ी में बैठकर चले गए क्योंकि सावन के महीने में लालू यादव के घर रुद्राभिषेक हो रहा है। हालांकि इसके बाद भी बिहार में लालू परिवार का संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। ऐसे में लालू परिवार के घर पूजा पाठ का सिलसिला तेज है। इसकी तस्वीर दिखी पटना में जब कई पुजारी लालू यादव के घर से निकलते दिखे और सीधे गाड़ी में सवार होकर चले गए। सूत्रों के मुताबिक 3 घंटे तक लालू यादव के घर पर रुद्राभिषेक हुआ। पूजा में लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव भी मौजूद रहे। परिवार और सरकार पर आए संकट को लेकर ये विशेष पूजा कराई गई। वैसे भी लालू यादव का परिवार बेहद आस्थावान माना जाता है। पिछले साल भी लालू यादव की एक तांत्रिक के साथ तस्वीर वायरल हुई थी जिसमें वो यूपी के विंध्याचल धाम में विशेष पूजा कराने पहुंचे थे। लेकिन संकट के वक्त भगवान की शरण में जाने वाले लालू के लिए मौजूदा वक्त बेहद कठिन है क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबर है कि इनकम टैक्स विभाग की जांच में लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप के नाम से भी कई प्रॉपर्टी का पता चला है। ऐसे में बिहार की सियासत में और ज्यादा उबाल आना तय है क्योंकि तेजस्वी के इस्तीफे के सवाल पर आरजेडी और जेडीयू के नेता पहले से भिड़े हुए हैं। इस कड़ी में जेडीयू के विधायक श्याम बहादुर सिंह ने नीतीश कुमार को महागठबंधन से अलग हो जाने की सलाह दे दी। अब रोज खिंचाता नहीं, आपस में खिंचाता नहीं, बड़ो भाई छोट भाई के, बड़ो भाई छोट भाई मान तो बनी है, फिर इनका बात मानते रहे, उनका बात ही मानते रहे, गठबंधन टूट जाएगा। वैसे जेडीयू की ओर से तेजस्वी के इस्तीफे के लिए दी गई समय सीमा रविवार को ही खत्म हो गई, लेकिन अब भी आरजेडी नेता इस्तीफे की बात को ही खारिज कर रहे हैं। ऐसे में जेडीयू विधायक दल की बैठक पटना में हुई जिससे बाहर निकलने के बाद जेडीयू विधायक श्याम बहादुर ने यह बयान दिया। हालांकि इस तनातनी के बीच अब कांग्रेस ने भी दखल देना शुरू कर दिया और महागठबंधन की तीनों पार्टियों को मिल बैठकर बात करने की सलाह दी। ये विचार तीनों पार्टी को मिलकर करना पड़ेगा। तीनों पार्टी ने मिल करके महागठबंधन को एक परिपेक्ष में बनाया है। लेकिन कांग्रेस की नसीहत के बाद भी जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने सख्त फैसले का इशारा दिया। आरजेडी तो मान नहीं रही, वो कह रही इस्तीफा नहीं होगा, लालू जी ने साफ कह दिया है। देखिए, कभी कभी जो दिखाई पड़ता है कि संभव नहीं है वो संभव हो जाता है। यानी तेजस्वी के इस्तीफे तक आरजेडी और जेडीयू के बीच की तकरार थमने वाली नहीं, ये तय हो चुका है। बात ठीक बात है कि बिहार में सियासी हालात बेहद पेचीदा हो चुके हैं क्योंकि जेडीयू किसी कीमत पर अपने रुख से पीछे हटने को तैयार नहीं। ऐसे में अगर तेजस्वी का इस्तीफा नहीं हुआ तो फिर वाकई बिहार में गठबंधन भगवान भरोसे ही रहने वाला है। ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं इस वक्त रिफत अब्दुल्ला। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के बराकपुरा में एक मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बल ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है। इस इलाके में सुरक्षा बल को आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी जिसके बाद इलाके को खाली करा लिया गया और महज 10 मिनट चले ऑपरेशन में 3 आतंकियों को मार गिराया गया। रिफत, क्या अपडेट है इस बार? जी, जैसा कि आपने कहा कि 3 मिलिटेंट मारे गए, हमें सूत्रों के हवाले से जो आर्मी सोर्सेज है वो यही कह रहे हैं कि 3 मिलिटेंट मारे गए। हालांकि ये काफी मुख्तसर देर तक ये एनकाउंटर चला। इस ब्रीफ एनकाउंटर में चूंकि फौज को पता चला था कि बराकपोरा एरिया में मिलिटेंट छुपे हुए थे और जो ही उन्होंने घेराव किया, बताया जा रहा है कि मिलिटेंट भागने की कोशिश कर रहे थे, उस दौरान काफी ज्यादा फायरिंग हुई और 10 मिनट तक चली इस मुठभेड़ में। बताया जा रहा है, जो आर्मी सोर्सेज बता रहे हैं कि 3 मिलिटेंट मारे गए, हालांकि इसकी अभी ऑफिशियली पुष्टि नहीं हो पाई, लेकिन हमें सोर्सेज बता रहे हैं कि 3 मिलिटेंट मारे गए हैं और अभी जो है फायरिंग का सिलसिला रुक गया है। शुक्रिया रिफत आपका। यूपी विधानसभा विस्फोटक केस में समाजवादी पार्टी के विधायक से पूछताछ हुई। यूपी विधानसभा में विस्फोटक मिलने के मामले में एटीएस ने समाजवादी पार्टी के विधायक अनिल दोहरे समेत कुछ लोगों से पूछताछ की।
राजस्थान के अलवर में 4 साल पहले मानसिक रूप से बीमार बच्ची की हत्या करने के आरोप में पुलिस ने उसके दादा को गिरफ्तार कर लिया, जबकि आरोपी पिता की तलाश जारी है। बिहार के गोपालगंज में पुलिस के एक जवान पर आरोप है कि उसने अपनी प्रेमिका के कहने पर अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। यूपी के फरुखाबाद में वकीलों पर राशन कार्ड बनवाने आए होमगार्ड के एक जवान से मारपीट करने का आरोप लगा। महाराष्ट्र के नागपुर में अवैध संबंध की वजह से युवक की हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 3 महीने से फरार चल रहे नाबालिग से रेप के आरोपी को दिल्ली के जामिया नगर से गिरफ्तार किया गया। यूपी के मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर बुजुर्ग महिला के रेप के आरोप में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। महाराष्ट्र के लातूर में 3 लोगों पर एक महिला को अगवा कर गैंगरेप करने का आरोप लगा। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार में तेजी दर्ज की गई। सेंसेक्स 54 अंक ऊपर 32,075 पर चला गया। निफ्टी पहली बार 9,900 के पार 30 अंक चढ़कर 9,916 पर बंद हुआ। महाराष्ट्र के नागपुर में कुछ लोग हाथों में फिल्मकार मधुर भंडारकर की तस्वीर लेकर नारेबाजी करते दिखे। ये लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता थे जो मधुर भंडारकर की फिल्म हिंदू सरकार का विरोध जता रहे थे। इसलिए नागपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथों में निर्देशक मधुर भंडारकर और उनकी फिल्म हिंदू सरकार के पोस्टर थामे और नारेबाजी करने लगे। कांग्रेस उनकी आने वाली फिल्म हिंदू सरकार के खिलाफ है जो इमरजेंसी पर बनाई गई। राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है, इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। कांग्रेस का आरोप है कि फिल्म में गांधी परिवार की गलत छवि पेश की गई। कांग्रेस कार्यकर्ता इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जो गलत तरीके से तथ्य दिखाए जा रहे हैं। मधुर भंडारकर का मुख ताला करके यहां से हम भेजेंगे। कांग्रेस का ये विरोध प्रदर्शन तब हुआ जब मधुर भंडारकर अपनी फिल्म हिंदू सरकार की टीम के साथ प्रमोशन करने नागपुर पहुंचे थे, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हंगामा कर दिया, जिसकी वजह से मधुर भंडारकर को अपना कार्यक्रम रद्द कर मुंबई लौटना पड़ा। कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि वो फिल्म को रिलीज नहीं होने देगी। लिहाजा कांग्रेस के विरोध को देखते हुए निर्देशक मधुर भंडारकर ने ट्विटर पर राहुल गांधी से पूछा कि डियर राहुल गांधी, पुणे के बाद मुझे नागपुर में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द करनी पड़ी, क्या आप इस गुंडागर्दी को मंजूर करते हैं? क्या मुझे अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है? एक फिल्म से आप डर गए? इतनी पुरानी पार्टी है, आपका अस्तित्व है। कांग्रेस की ये भी मांग है कि फिल्म रिलीज होने से पहले उन्हें दिखाई जाए। आज से आपका टारगेट 350 है। लेकिन मधुर भंडारकर ने फिल्म दिखाने से साफ इनकार कर दिया। कहा जा रहा है कि 1975 की इमरजेंसी पर बनी फिल्म हिंदू सरकार में इंदिरा गांधी और उनके बेटे संजय गांधी की कहानी, लिहाजा इस मामले पर सियासत भी जमकर हो रही। और कांग्रेस का आरोप है कि फिल्म के जरिए इंदिरा गांधी की छवि को धक्का पहुंचाने की कोशिश की गई। किसी एक ग्रुप को कंट्रोल करते हैं तो कल दूसरा कोई सर उठा लेता है। मधुर भंडारकर कोशिश कर रहे हैं कि अपनी फिल्म को बेचने के लिए जितनी पब्लिसिटी ले पाए। मधुर भंडारकर ने कांग्रेस के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। जैसे फिल्म मेकर को जरूरत नहीं है इस तरह की पब्लिसिटी या स्पॉन्सर्ड फिल्म करने की। महाराष्ट्र सरकार ने भी मधुर भंडारकर का साथ देते हुए कांग्रेस के विरोध को गलत बताया। बिना देखे अगर हम आक्षेप करेंगे तो फिर इस राज्य में कोई आगे नहीं जा पाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने साफ कर दिया है कि कानून हाथ में लेने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। इसके बावजूद कांग्रेस का विरोध अब भी जारी है, लिहाजा पुलिस ने एहतियातन मधुर भंडारकर को सुरक्षा दी है। क्योंकि अलग अलग शहरों में हुए विरोध के बाद मधुर भंडारकर भी डरे हुए हैं। अपने डर का जिक्र उन्होंने न्यूज 18 इंडिया से बातचीत के दौरान भी किया। क्योंकि मेरी 10 साल की बेटी डरी हुई है, मेरे रिश्तेदार डरे हुए हैं, मेरे फ्रेंड्स डरे हुए हैं। वहीं फिल्म देखने के बाद सेंसर बोर्ड ने कुछ डायलॉग हटाने के निर्देश दिए। और तुम लोग जिंदगी भर माँ बेटे की गुलामी करते रहोगे। सेंसर बोर्ड के फैसले के खिलाफ मधुर भंडारकर अपील करने वाले हैं। सौबात की एक बात यह कि आपातकाल में हुई घटनाओं को लेकर अब तक दर्जनों किताबें लिखी जा चुकी हैं। ऐसे में फिल्म को बिना देखे निशाना बनाना ठीक नहीं। हाँ, ये जरूर है कि फिल्म के निर्माता को भी विवादित विषयों पर सफाई देकर मामला खत्म करने की पहल करनी चाहिए। आतंकी संगठन ISIS के सरगना अबू बकर अल बगदादी से जुड़ी एक नई खबर सामने आई है। इराक में मौजूद कुर्द खुफिया एजेंसी के एक अफसर का दावा है कि बगदादी अब भी जिंदा है। इस अफसर का दावा है कि उसको 99% यकीन है कि बगदादी अब भी जिंदा है। उसने दावा किया कि बगदादी इराक के मोसुल से भागकर सीरिया के रक्का में छिपा हुआ है। रक्का सहित सीरिया के कई इलाकों पर ISIS के आतंकियों का कब्जा है। कुर्द अफसर के मुताबिक बगदादी अपने करीबियों के साथ मिलकर आतंकियों की नई फौज तैयार कर रहा है। हालांकि ISIS का सरगना रक्का में कहां छिपा है इसकी जानकारी किसी को नहीं है।
दिल्ली के विजय चौक पर घुड़सवार सैनिकों का दल नजर आया। यहां नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण की रिहर्सल चल रही थी और घुड़सवार सैनिक इसी रिहर्सल का हिस्सा थे। दिल्ली में नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण की तैयारियां शुरू हो गईं। इसी कड़ी में पहले पैदल सैनिक विजय चौक पहुंचे और शपथ ग्रहण की रिहर्सल की। पैदल सैनिकों के बाद घुड़सवार सैनिक नजर आए। इनके आगे एक एम्बुलेंस चल रही थी जबकि पीछे हाथों में झंडा लिए घुड़सवार सैनिक थे। इनके बीच में एक खुली जिप्सी भी थी जबकि सबसे पीछे सेना का ट्रक था। ये काफिला राष्ट्रपति भवन की तरफ से बढ़ता हुआ विजय चौक तक पहुंचा। विजय चौक के बाद ये जवान वापस राष्ट्रपति भवन की तरफ मुड़ गए। इस तरह नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण और सम्मान की रिहर्सल पूरी हुई। सौभाग्य की एक बात यह कि 25 जुलाई को नए राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण होना है और नए राष्ट्रपति के सम्मान की एक खास परंपरा है जिसमें कोई चूक न रह जाए, इसलिए इसकी तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है। जेएनयू के लापता छात्र के मामले में सीबीआई ने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की। जेएनयू के लापता छात्र नजीब अहमद के मामले में सीबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी। यूपी के नोएडा में हंगामे के बाद कामगारों पर हुए केस के खिलाफ कुछ लोगों ने सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय पर प्रदर्शन किया। कर्नाटक के विजयपुर में महिला से छेड़छाड़ करने के आरोपी को भीड़ ने बाल काटकर इलाके में घुमाया। तीन तलाक के खिलाफ अभियान चला रहे कोलकाता के एक शिक्षक ने कट्टरपंथियों पर उन्हें और उनके परिवार को धमकी देने का आरोप लगाया। प्रवर्तन निदेशालय ने 3600 करोड़ के वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदा घोटाले में दुबई की कंपनी की एक महिला निदेशक को गिरफ्तार किया। राजस्थान के राजसमंद में 40 फीट गहरे कुएं में गिरे 8 साल के एक बच्चे को करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाल लिया गया। करीना कपूर ने फिल्मों में डेब्यू करने जा रही सारा अली खान को ये कहते हुए टिप्स देने से मना कर दिया कि अभिनय पहले से उनके रगों में है। मुंबई के माटुंगा रेलवे स्टेशन पर एक महिला पुलिस अफसर स्टेशन की सुरक्षा में तैनात दी। इस स्टेशन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ हर काम के लिए महिला कर्मचारी ही तैनात है और यहाँ की सुरक्षा का जिम्मा भी महिला पुलिस कर्मियों के ही हवाले है। माटुंगा देश का पहला ऐसा रेलवे स्टेशन बन गया है जहाँ सुरक्षा से लेकर टिकट काटने और स्टेशन के तमाम छोटे बड़े काम महिलाएं करती हैं। स्टेशन की कमान संभालने वाली भी एक महिला ही है। लेडीज का नाइट ड्यूटी करना या शिफ्ट ड्यूटी करना ये भी इटसेल्फ में बहुत बड़ा चैलेंज है। रेलवे के मुताबिक ये फॉर्मूला सफल रहा तो इसे कई और स्टेशन पर भी लागू किया जा सकता है। कुछ स्टेशन को महिला पूरी तरह से महिला स्टेशन करने का सोचेंगे हम। रेलवे के इस फैसले की तारीफ लोकल ट्रेन में सफर करने वाली महिलाओं ने भी की है। सौभाग्य की एक बात यह कि लोकल ट्रेनों में महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों पर लगाम लगाने में भी ये पहल काफी मददगार साबित हो सकती है। साथ ही महिला कर्मचारियों की वजह से महिलाएं सफर में खुद को ज्यादा महसूस करेंगी। अमरनाथ यात्रा पर एक बार फिर आतंकी हमले का खतरा है। एक संदिग्ध गाड़ी को देखे जाने के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। सूत्रों के मुताबिक जम्मू श्रीनगर हाईवे पर अमरनाथ यात्रा को निशाना बनाया जा सकता है। आतंकी रामबन और उधमपुर के बीच हमले की योजना बना रहे हैं और 4 संदिग्ध लोगों को एक टवेरा गाड़ी में देखा गया है। गाड़ी का नंबर JK04P4615 बताया जा रहा है। इस गाड़ी का कोई सुराग नहीं मिला। सुरक्षा बल ने आतंकियों की धरपकड़ के लिए खास अभियान चलाया है। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आया एक शख्स चलते चलते रोने लगा। पुलिस ने इसे चोरी के आरोप में बिहार के सीतामढ़ी से गिरफ्तार किया और पकड़े जाने के बाद चोरी का आरोपी इरफान उर्फ उजाला बाबू पुलिस हिरासत में रोने लगा। सुपर चोर बंटी से प्रभावित इरफान दिल्ली, कानपुर, आगरा और जालंधर में चोरी की वारदात को अंजाम दे चुका है। दिल्ली पुलिस की एक टीम ने इरफान को बिहार के सीतामढ़ी से गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक उसके पास से 25 लाख के गहने भी बरामद किए गए। ऑलमोस्ट 25 लाख रुपीस के गोल्ड डायमंड ज्वेलरी और लग्जरी वॉचेस। पुलिस के मुताबिक आरोपी इरफान लग्जरी गाड़ियों और शानो शौकत भरी जिंदगी जीने का आदी है। पुलिस का कहना है कि इरफान ने गांव वालों को बताया था कि दिल्ली में उसका बड़ा कारोबार है। इरफान का अगर आप सोशल मीडिया प्रोफाइल देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ही इज लीडिंग अ लग्जरियस लाइफ। दिल्ली पुलिस को इरफान का सुराग लूटपाट से जुड़े सीसीटीवी की फुटेज से मिला था। अब पुलिस इरफान से पूछताछ के आधार पर उसके दूसरे साथियों की तलाश कर रही है। साथ ही पुलिस ने इरफान के एक साथी धर्मेंद्र को गिरफ्तार भी किया है। पुलिस के मुताबिक इरफान 4 साल पहले नौकरी के लिए दिल्ली आया था और नाकाम होने पर चोरी की वारदात करने लगा। पकड़े जाने के बाद इरफान ने मीडिया के सामने कबूल किया कि उसने चोरी के पैसों से गांव में गरीब लड़कियों की शादी करवाई और बुजुर्गों का इलाज करवाया। लड़की लोगों की शादी कराता था, मदरसा में पैसे वैसे देता था। आरोप है कि इरफान के संबंध तमिल और भोजपुरी फिल्मों में काम करने वाली कुछ अभिनेत्रियों से भी रहे। सौभाग्य की एक बात यह कि चोरी के आरोप में पकड़े जाने के बाद सामाजिक कार्यों की दलील देना सिर्फ कानून से बचने की कोशिश ही मानी जाएगी। ऐसे में आरोपी को सख्त सजा मिलनी चाहिए क्योंकि गुनाह पर बेकार की दलीलों से पर्दा नहीं डाला जा सकता। स्कूल हादसों पर केंद्र सरकार को फटकार पड़ी।
स्कूलों में आग लगने समेत दूसरे हादसों पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को फटकार लगाई और अधिकारियों को खुद कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने के मामले को 3 जजों की बेंच के पास भेज दिया। मध्य प्रदेश में 4 साल पहले गाय पर भड़की हिंसा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाई और सीडी की जांच कर रिपोर्ट पेश करने को कहा। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने पत्थरबाजी करने और दिल्ली में आतंकी हमले की साजिश रचने के मामले में आतंकी बहादुर अली पर सुनवाई 28 अगस्त तक टाल दी। इराक दौरे से लौटे केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह ने दावा किया कि उन्हें लापता भारतीयों के बारे में ठोस जानकारी मिली है। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री जूली बिशप 18 जुलाई को 2 दिन के भारत दौरे पर दिल्ली पहुंचेंगी। ईडी ने दमन के शराब माफिया सरगना रमेश पटेल की करीब 4.5 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली। इंफोसिस के संस्थापक सदस्य नारायण मूर्ति ने इंफोसिस छोड़ने को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल माना। केंद्र सरकार बिजली से चलने वाली गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए नियमों में बदलाव कर सकती है। जीएसटी लागू होने के बाद पेटीएम ने नई गाइडलाइन जारी करते हुए 85,000 विक्रेताओं को हटा दिया। गोवा की राजधानी पणजी के समुद्र में कोस्ट गार्ड के जवान एक हेलीकॉप्टर से रस्सी नीचे फेंक कर एक आदमी को ऊपर खींचने लगे। यहाँ समुद्र में एक जहाज पर फंसे 4 लोगों को बचाया गया, जिसके लिए कोस्ट गार्ड का एक हेलीकॉप्टर जहाज के ऊपर पहुंचा और रस्सी फेंक कर एक लड़के को ऊपर खींच लिया। इसी तरह एक एक कर 4 लड़कों को हेलीकॉप्टर में खींच लिया गया। इनमें एक के हाथ में चोट भी लगी। बीती रात ये जहाज किनारे पर आते वक्त रेत में फंस गया था, जिसके बाद कोस्ट गार्ड को इसमें फंसे 4 लोगों की जानकारी दी गई। समुद्र के जिस किनारे पर यह जहाज फंसा है उसका इस्तेमाल मानसून के समय करने पर मना ही है। ऐसे में गोवा सरकार ने मामले की जांच के आदेश दे दिए। सौबात की एक बात यह कि सुरक्षा के नियमों की अनदेखी कर लोग अक्सर ही ऐसी मुसीबत को न्योता दे देते हैं। वो तो गनीमत रही कि कोस्ट गार्ड ने वक्त रहते बचाव कार्य शुरू कर दिया, वरना इन 4 लोगों के लिए मुश्किलें और बढ़ सकती थी। गुजरात के जामनगर में एनडीआरएफ के जवान पानी के तेज बहाव में फंसी एक कार को रस्सी के सहारे बाहर निकालने लगे। यहां पुल की रेलिंग तोड़कर एक कार रूपरल नदी में गिर गई, जिसमें सवार 3 लोगों की अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई। और हादसे के बाद पहुंचे एनडीआरएफ जवान तेज बहाव के बीच नदी में उतरे और बीच में फंसी कार को रस्सी के सहारे बाहर निकालने लगे। काफी जद्दोजहद के बाद कार को किनारे पर लाया गया, लेकिन इसमें सवार 3 लोगों का कोई सुराग नहीं लगा। उधर सुंदरनगर जिले में एयरफोर्स के एक Mi-17V5 हेलीकॉप्टर ने बाढ़ पीड़ितों को सही सलामत सुरक्षित जगह पर उतारा। राज्य में लगातार हो रही बारिश की वजह से कई जिलों में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं, जबकि रिहायशी इलाकों में पानी घुसने की वजह से लोगों की मुश्किल बढ़ गई है। बाढ़ के असर की वजह से मोरबी जिले में भारी बारिश के बाद बांध के दरवाजे खोल दिए गए, जिससे नदी का जलस्तर बढ़ने लगा। साथ ही भारी बारिश की वजह से सौराष्ट्र इलाके में हजारों एकड़ फसल पानी में डूब चुकी। अभी अब गुजरात के सौराष्ट्र के मोरबी इलाके में है ये जमीन, देख सकते हैं कि ये वही जगह है जहां पहले किसानों की खेत हुआ करती थी, पर अब तालाब में बदल चुका है। उधर राजकोट में भी लगातार हुई बारिश के बाद शहर की सड़कें नदियों में तब्दील नजर आने लगी। कई जगहों पर जलभराव होने की वजह से यातायात भी प्रभावित नजर आया। वहीं कच्छ इलाके में भारी बारिश के बाद अबडासा गांव पानी में डूब चुका है और लोग जान बचाने के लिए एक सुरक्षित इमारत में पनाह लिए हुए हैं। सौबात की एक बात यह कि गुजरात में लगातार बारिश ने कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। ऐसे में राहत और बचाव कार्य और ज्यादा तेज चलाए जाने की जरूरत है, क्योंकि अब भी कई इलाके मदद के इंतजार में। एक शोर है जो कुछ सुनने नहीं देता, एक घर है जो बाजार हुआ जाता है। सौबात की एक बात कही सोहेल ने। एक खौफ है जो कुछ नहीं करने देता, एक ख्वाब है जो नींद में तड़पाता है। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का, वक्त फिर होगा 100 बात की एक बात।